नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने आई थिंक 5th of May तक छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 6th of May से लेकर आज तक यानी कि 19th of May तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबका यहाँ एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि लॉकडाउन की वजह से कुछ खास कंटेंट आ नहीं रहे, खासकर छत्तीसगढ़ में। तो मैं भी इंतज़ार करते रहता हूँ कब अच्छा कंटेंट आएगा और इसी चक्कर में कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन हो जा रहे हैं। और इस बार काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद कुछ अच्छे कंटेंट मैं यहाँ पर इकट्ठा किया हूँ जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जिस तरह से छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को सपोर्ट करते हो तो उसी तरह से नेशनल करेंट अफेयर को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जो नेशनल करेंट अफेयर का सीरीज़ चल रहा है वो सफिशियंट है। लेकिन आने वाले समय में अगर आप अदर स्टेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो या नेशनल लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो उस लेवल का भी करेंट अफेयर हम लोग जो है आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं और बहुत जल्द प्रोग्राम शुरू भी हो जाएगा। तो नेशनल करेंट अफेयर पे भी आपका सपोर्ट इसी तरह से बने रहना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियोस पसंद आने पे लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो मंथली मैगज़ीन आया करती थी मार्केट में हार्ड कॉपी, लॉकडाउन की वजह से तो आ नहीं सकती, तो आप इसका सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर लो, वहाँ भी आप इस मैगज़ीन को प्राप्त कर सकते हो। ये मैगज़ीन हमारा जून एडिशन का है, ठीक है, तो आप इसको भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप घर से करना चाहते हो, चाहे आप बिगनर्स हो, चाहे आप शुरू करने की सोच रहे हो या आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो इस दो कोर्स के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। एक है हमारा मोबाइल कोर्स और एक है हमारा हाल ही में आया ऑडियो कोर्स। दोनों की अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर लें, दोनों का इन्फॉर्मेशन, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। YouTube पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोनों का, अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो देख सकते हो, पहले जांचें परखें उसके बाद अपना डिसीजन लें, ठीक है। चलिए आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक डेटा प्रस्तुत किया गया। इस डेटा में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में रोड का नेटवर्क किस प्रकार से है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, फिर किसी भी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र का कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है। तो छत्तीसगढ़ की जो मेन कनेक्टिविटी है वो रोड कनेक्टिविटी है। अगर आप यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो या फिर यहाँ पर कुछ विकसित करना चाहते हो तो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है। तो जब भी आप छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या ऐसे लिख रहे हो या कहीं मेंस में औद्योगिकरण या फिर कहीं भी छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात हो रहा है, तो इस रोड कनेक्टिविटी के डेटा का इस्तेमाल आप वहाँ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी है ओवरऑल, नेशनल हाईवेज़ कितने हैं, स्टेट हाईवेज़ कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ कितने हैं, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड हैं वो किस प्रकार से हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का डेटा है और लेटेस्ट डेटा है, अपडेटेड डेटा है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और अलग से इसको शॉर्ट नोट्स बना कर रख लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा आपको याद होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम एक प्रॉपर ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रोड कनेक्टिविटी है। और ये जो डेटा है वो आपका दिसंबर 2019 के सिचुएशंस के आधार पे है, यानी कि 2019 तक है, दिसंबर तक। इसमें सड़कों की कुल लंबाई अगर आप छत्तीसगढ़ में देखोगे ओवरऑल तो यहाँ आपको मिलेगा 33,023 किलोमीटर। इसके अलावा अगर आप नेशनल हाईवेज इसमें से हम निकाल लें तो ये है आपका 3,526 किलोमीटर। अगर स्टेट हाईवेज की बात करें तो 4,137 किलोमीटर। और जो भी मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं एक जिले से दूसरे जिले को जो रोड जोड़ता है वो है आपका 11,580 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा आपका ग्रामीण मार्ग यानी कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितने भी रूट्स बने हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी रूट्स बनाए गए हैं ये सबसे ज़्यादा है आपका 13,780 किलोमीटर्स। तो ये एक ओवरव्यू था जो छत्तीसगढ़ में रोडों की सिचुएशन बताता है, चाहे नेशनल हाईवे, चाहे स्टेट हाईवे, चाहे डिस्ट्रिक्ट या फिर रूरल एरिया में आप देख लो। इसके अलावा आने वाले समय में कौन कौन से रोड बन रहे हैं या कौन कौन से प्रस्तावित हैं जिसको अप्रूवल मिल चुका है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे प्रदेश में दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 2020 तक, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का डेटा है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो प्रदेश में दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 2020 तक कुल 613 रोड और पुल मिलाकर इसको अप्रूवल दिया गया है जिसकी लागत लगभग 3,000
672 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर आप इसमें पूल देख लोगे, रोड को अलग कर दोगे, तो इसमें 178 जो है बड़े पूल्स हैं। ये स्वीकृत हो चुके हैं, कुछ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ पर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप और कुछ देखोगे तो छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से 2,336 करोड़ रुपए की लागत से 776 किलोमीटर की जो 26 सड़कें हैं, इनका काम जो है वो प्रगति पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर नेशनल हाईवेज़ की बात करोगे, जो कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है, तो इसमें 355 किलोमीटर के 3 नेशनल हाईवेज़ जो बड़े हाईवेज़ हैं वो स्टेट में इस समय बनाए जा रहे हैं। पहला है आपका रायपुर से बिलासपुर मार्ग में, और दूसरा है आपका रायपुर से धमतरी, और तीसरा जो है आपका आरंग से सरायपाली मार्ग। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस रोड को डेवलप किया जा रहा है, और 3 मेजर जो नेशनल हाईवेज हैं हमारे स्टेट के, उस पर अभी प्रेजेंट टाइम पर वर्क चल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर आप जब बस्तर वाले एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र मिलते हैं, और इस क्षेत्रों में भी रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस क्षेत्र में भी बहुत काम चल रहा है रोड को लेकर। टोटल है 3,171 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2,000 किलोमीटर की 54 सड़कों का निर्माण जो है वो स्वीकृत किया जा चुका है, और बहुत सारे रोड पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आने वाले समय में इस फाइनेंशियल ईयर में या पिछले फाइनेंशियल ईयर में बजट की बात कर लें, तो बजट यहाँ पर प्रदेश में सड़कों के विकास और विस्तार के लिए लोक निर्माण विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,237 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया था। ये छत्तीसगढ़ बजट का है, और इस 6,237 में से 4,481 करोड़ रुपए रोड पे खर्च भी हुए हैं, जो कि लगभग 72% है। और इसके अलावा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 2020-21, इसमें भी 6,410 करोड़ रुपये का प्रोविजन्स रखा गया है रोड कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलग फंडिंग होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अलग से रोड बनाए जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोविजंस किए गए हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, उसका ध्यान रखिएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है, और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में रेल कनेक्टिविटी के अलावा जो दूसरा कनेक्टिविटी बच जाता है वो आपका रोड का कनेक्टिविटी होता है। तो रोड के कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर डेटा इस्तेमाल रखना है। छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट से रिलेटेड या औद्योगिकरण से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो कनेक्टिविटी का एक पैरा आपका होता ही, और उस कनेक्टिविटी में आप इन डेटा का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ ईस्ट कॉरिडोर रेल प्रोजेक्ट के बारे में है। ये ईस्ट कॉरिडोर को अप्रूवल मिला था 2017 में, और इस पर काम शुरू हुआ था आपका 2018 में। और इस प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में जो लैंड चाहिए था रेलवे कनेक्टिविटी को बिछाने के लिए, जो लैंड चाहिए था, उसका अप्रूवल छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की तरफ से दे दिया गया है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल प्रोजेक्ट है क्या। यह प्रोजेक्ट मुख्यतः 2 जिलों को कवर करता है, एक है आपका रायगढ़ और दूसरा है आपका कोरबा, ठीक है। और इस ईस्ट रेल प्रोजेक्ट के तहत में 3 रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। एक है आपका रायगढ़ का खरसिया से लेकर धरमजयगढ़ तक, दूसरा है रायगढ़ के ही घरघोड़ा से लेकर डोंगामोहा तक, और तीसरा जो है आपका उर्गा से लेकर धरमजयगढ़ तक। तो ये ईस्ट रेल प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में 3 लाइनें बिछाई जानी है, जिस पर काम चल रहा है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई, और जो कॉस्ट इस पर खर्च होने वाला है वो लगभग 4,741 करोड़ रुपए का है। तो ये भी कनेक्टिविटी का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र देखोगे तो आपका रायपुर और कोरबा उसमें आ जाते हैं, तो इस तरह से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप पेपर नंबर 5 में इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे में अगर औद्योगिकरण या फिर छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस ईस्ट रेल कॉरिडोर का अगर आप यहाँ पर मैप देखोगे, ये आपका पूरा रायगढ़ का रीजन आ जाता है और ये आपका पूरा कोरबा का रीजन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप ये धरमजयगढ़ से लेके खरसिया तक ये वाला रेल लाइन देख सकते हो। इसके अलावा जो घरघोड़ा से लेके एक और रेल लाइन था वो यहां तक आ जाएगा, और इसके अलावा धरमजयगढ़ से आपका ये कोरबा तक,
यानी कि कोरबा के उरका तक ये वाला रेल लाइन। तो तीनों रेल लाइन का आप यहाँ पर मैप के जरिए भी समझ सकते हो और ये एक बहुत मायने रखता है। ये जो रेल कॉरिडोर है ईस्ट कॉरिडोर, और ये खासकर आप इस एरिया में देखोगे तो बहुत सारे कोयले के खदान हैं, बहुत सारे यहाँ पर पावर हाउसेज हैं, तो इन तक कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाया जा सकता है और इस क्षेत्र में और भी डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इस रेल कॉरिडोर के बारे में भी ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से कितने ज़िले में उस रेल कॉरिडोर, आपका एक रायगढ़ और दूसरा आ जाता है आपका कोरबा। इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है लघु वनोपज पर सपोर्ट प्राइस। 2018 में आप चले जाओगे तो टोटल 7 वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता था, उसके बाद 21 वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाने लगा, उसके बाद 23 वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाने लगा, और अब दो और लघु वनोपज को शामिल किया गया है और अब 25 लघु वनोपज पर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। दो हाल ही में ऐड किया गया है, ये दोनों कौन कौन सा है, तो ये दोनों है गिलोय और भेलवा, इस पर भी अब समर्थन मूल्य दिया जाएगा। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, मेंस में भी जब आप लघु वनोपज से रिलेटेड या फिर आदिवासियों से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पर वैल्यूएशन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी लघु वनोपज पर सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, अगर आप उसका सारा डेटा देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये 23 है जो लघु वनोपज पर जिस पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, और दो मैंने पीछे बताया कौन कौन सा, गिलोय तथा भेलवा, इसका नाम भी याद रखिएगा, और 23 का नाम आपके सामने यहाँ पर है। तो आप इसका, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए इसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट का टॉपिक है, कभी भी अगर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुराजी गांव योजना की भूमिका पर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये टॉपिक उस क्वेश्चन के लिए है। बहुत अच्छे तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सुराजी गांव योजना के तहत में हम सबको पता है 4 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और चारों बहुत ही महत्वाकांक्षी है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, और सबसे ज़्यादा जो अभी फोकस किया जा रहा है वो आपका गरवा पे किया जा रहा है। और गरवा के तहत आप लोगों को पता है कि प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग ग्राम पंचायतों में गौठान बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे पशुओं को रखा जाता है और सारी सुविधाएं दी जाती है, इस तरह से हम लोगों को पता है। अब यहाँ पर हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक डेटा रिलीज़ किया है और उसके अनुसार बताया कि जिस गाँव में भी गौठान बनाए गए हैं उस गाँव में जो इस साल रबी का फसल हुआ है उसके रकबे में, यानी कि उसके फसल में 37% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि गौठान जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है उससे रबी के फसल में बढ़ोतरी कैसे हो गई, वो भी 37% वो भी गौठान के जरिए। तो देखिए होता क्या है कि पहले जब गौठान में जानवर नहीं रहते थे तो वो खुले में घूमा करते थे, तो इस वजह से किसानों का फसल जो है उनके द्वारा बर्बाद कर दिया जाता था। तो इसीलिए प्रदेश सरकार द्वारा इसमें से एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि गौठान को डेवलप किया जाए, तो उसी के तहत गौठान को डेवलप किया गया और जिन क्षेत्रों में या ग्राम पंचायतों में गौठान डेवलप हो चुका है वहाँ पर रबी के फसल में 37% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, या वैल्यू एडिशन के तौर पर आप सुराजी गांव योजना में कर सकते हो। अब वैल्यू एडिशन के तौर पर आप जब रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड सुराजी गांव योजना का वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो एक अचीवमेंट के रूप में दिखा सकते हो कि 37% तक इंप्रूवमेंट हुआ है। रवि फसल की अगर हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बात करें तो 2018 और 19 में, जो डेटा बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ऐड कर लीजिएगा, 2018 और 19 में 1.52 लाख हेक्टेयर्स में रवि फसल को बोया गया था, और 2019 और 20 में 2.8 लाख हेक्टेयर में रवि फसल का उत्पादन किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा। तो रवि फसल से रिलेटेड ये दो डेटा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो रवि फसल से रिलेटेड दो डेटा आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस स्कीम को इसी साल के बजट में अनाउंस किया गया, क्यों किया गया है थोड़ा सा इसके पीछे का हम लोग हिस्ट्री समझ लेते हैं उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले 2018 में जो किसानों को धान पर सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा था वो केंद्र सरकार के सपोर्ट प्राइस के आधार पर दिया जा रहा था। 2018 में जो प्रेजेंट सरकार है उसने अनाउंस किया था कि वो किसानों को 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे, एक साल बिना किसी रोक टोक के 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी। इस साल यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट को कि आप 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान नहीं खरीद सकते। हमने पहले भी एनालिसिस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस बात को लेकर टकराव भी हुआ था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट दबाव में 1815 और 1835 रुपये पर ही जो है धान की खरीदी किया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंस किया गया था कि एक स्कीम के तहत जो है किसानों को बाकी का पैसा दिया जाएगा लेकिन धान 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ही खरीदा जाएगा,
ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 2019 और 20 में प्रति क्विंटल कितने समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया, तो आप 1815 ही लोगे, और जो बाकी रकम दिया जा रहा है 685 रुपये, वो आपको एक स्कीम के तहत दिया जा रहा है। उस स्कीम का है राजीव गांधी न्याय योजना। लेकिन इसमें सिर्फ धान की फसल को शामिल नहीं किया गया, इसमें बहुत सारे फसल शामिल किए गए हैं, जैसे इसमें दलहन हो गया, तिलहन हो गया, मक्का, गन्ना, धान, इन सबको शामिल किया गया है। और ये दिया जाएगा कैसे, एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति एकड़ जो है वो 10,000 रुपये सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, और इस स्कीम से लगभग 18,75,000 किसानों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि किसानों को अलग से सपोर्ट प्राइस देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। मुख्य फसल याद रखिएगा, धान, मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन इस स्कीम के अंडर में आते हैं। और इस साल यानी कि 2020 और 21 के बजट में, छत्तीसगढ़ के बजट में इस स्कीम के लिए 5100 यानी कि 5100 करोड़ रुपीस का प्रोविज़न भी रखा गया है। अब ये न्यूज़ में ये स्कीम इसीलिए है क्योंकि इस स्कीम की शुरुआत जो है 21 मई से होने वाली है। 21 मई से इसीलिए क्योंकि स्कीम किन के नाम पर है, राजीव गांधी जी के नाम पर, और 21 मई को इनका पुण्यतिथि है और इस दिन से इस स्कीम की शुरुआत हो रही है। प्रीलिम्स के लिए ये 21 मई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पढ़ना लिखना अभियान। एक कैंपेन शुरू किया गया, हालांकि इस कैंपेन को शुरू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के HRD मिनिस्ट्री की तरफ से। इस कैंपेन को छत्तीसगढ़ में भी इंप्लीमेंट किया जाना है। छत्तीसगढ़ के 10 जिले में इस कैंपेन को शुरू किया जाएगा, और ये 10 जिले कौन से होंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आकांक्षी जिले। छत्तीसगढ़ में टोटल 10 आकांक्षी जिले हैं। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब देना है, छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं। साथ में आपको बता देता हूँ, 7 जो आपका बस्तर संभाग है, 7 जिले उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के में आते हैं। इसके अलावा 3 और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे पढ़ना लिखना अभियान छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में शुरू किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में शुरू किया जाएगा, आकांक्षी जिलों में। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो जो असाक्षर लोग हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो अपना साइन तक नहीं कर सकते, वो असाक्षर लोग कहलाते हैं, तो इनको साक्षर करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन ये कैंपेन की शुरुआत होगा और छत्तीसगढ़ सरकार को एक टारगेट भी दिया गया था इस डेटा का, आप वैल्यू एडिशन के तौर पर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। छत्तीसगढ़ को 2020 से लेकर 2021 तक यानी कि एक साल में 250,000 लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, और इस कैंपेन को शुरू किया गया है असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए। और यह कैंपेन छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में चलाया जाएगा, और यह 10 जिले जो होंगे वो छत्तीसगढ़ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि आकांक्षी जिले होंगे, ठीक है। इसके अलावा चलिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे नेशनल लेवल पे क्या है, साक्षरता प्राधिकरण मिशन, अब यह कैंपेन जो है ग्राउंड लेवल तक वर्क कर सके, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। स्टेट लेवल पे था ही, नेशनल लेवल पे था ही, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके अलावा विकास खंड स्तर या फिर नगरीय निकाय स्तर पर भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा। तो इस तरह से इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लोगों को साक्षर करने के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उस कैंपेन का नाम क्या है, तो उस कैंपेन का नाम ध्यान रखिएगा, पढ़ना लिखना अभियान, ठीक। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय, आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग आज इस टॉपिक को इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को प्रत्येक साल। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, 2020 का थीम क्या है ये भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर हालांकि वर्चुअल तरीके से ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया, तो इसमें चर्चा आया कि छत्तीसगढ़ का पहला जो म्यूजियम है वो कौन सा है। प्रीलिम्स में कई बार भी पूछा गया, और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, 1875 में छत्तीसगढ़ का सबसे पहला म्यूजियम का निर्माण हुआ था। उस म्यूजियम का नाम है महंत घासीदास संग्रहालय, और यह संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ स्थित है, आपके रायपुर में स्थित है। और यह जो म्यूजियम है उस समय जब बनाया गया था तो राजनांदगांव रियासत के राजा थे, कौन थे, राजा घासीदास, इन्हीं की जमीन पर इसको बनाया गया था।
1875 में बना इस म्यूज़ियम को 1953 में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था, और रिकन्स्ट्रक्ट करने के बाद जो गणतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस खासकर महंत घासीदास संग्रहालय के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा इसके साथ में आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताता हूँ, देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर म्यूज़ियम कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर म्यूज़ियम आपके छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ, जो आपका इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसी के कैंपस में 2016 में देश का सबसे बड़ा कृषि म्यूज़ियम बनाया गया था, एग्रीकल्चर म्यूज़ियम बनाया गया था। और ये जो है, यहाँ जो है, आपको पता है कि पूरे देश भर में जो छत्तीसगढ़ में धान की किस्में वो सबसे ज़्यादा है, 24,000 के आसपास धान की किस्में पाई जाती हैं। तो सारी किस्में इस म्यूज़ियम में अवेलेबल है, और भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हिस्टोरिकल जो शैल चित्र हैं या फिर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो है वो इस कृषि म्यूज़ियम में अवेलेबल है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जो म्यूज़ियम है वो आपके रायपुर के इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कुछ और जो प्रसिद्ध म्यूज़ियम है, जो पुराने म्यूज़ियम है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कब कब इस्टेब्लिश हुआ था। जैसे महंत घासीदास स्मारक, जैसे मैंने बताया 1875, जिला पुरातत्व संग्रहालय जो कि बिलासपुर में स्थित है कब 1976, जिला पुरातत्व संग्रहालय आपका जगदलपुर 1988, जिला पुरातत्व संग्रहालय आपका राजनांदगांव 1976, और पचराही संग्रहालय जिला कबीरधाम। मैंने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के और संस्कृति विभाग के वेबसाइट पे इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और भी देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 18 मई को मनाया जाता है। 2020 का आपको इसका थीम याद रखना है, कई बार पूछ दिया जाता है। तो 2020 का जो इसका थीम है वो है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया था, 1977 में मनाया गया था, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आज के इस एनालिसिस में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है रायपुर का नालंदा परिसर, जो एक हाई फाई लाइब्रेरी बनाया गया था, जो जिसको हम लोग नालंदा परिसर के नाम से जानते हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नालंदा परिसर से रिलेटेड, उसका नाम बदल दिया गया है। अब नालंदा परिसर का नाम जो रहेगा वो स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर रखा जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा, स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। जब इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिए थे तब ये मात्र 13 वर्ष के थे, और ये कई सालों तक रायपुर के सेंट्रल जेल में भी रह चुके हैं आज़ादी के समय में। और 93 वर्ष की उम्र में ठीक 2 महीना पहले या 3 महीना पहले इनकी फरवरी में ही इसी साल मौत हुई है। और इन्हीं के स्मृति में, इन्हीं के याद में अब जो नालंदा परिषद है, जो रायपुर में लाइब्रेरी है, एक हाईटेक लाइब्रेरी है, उसका नाम अब इनके नाम पे रखा जाएगा। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस, कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। वीडियोस पसंद आने पे आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने शुरू में भी बताया था, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे उन कोर्सेज से जुड़कर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल हमारा मस्ट है। वहाँ पर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जो आता है हमारी तरफ से वो आप लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे competition.community/cgpsc, वहाँ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे भी हमें लाइक कर सकते हो, फेसबुक पेज पे भी हम इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।